चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे साधारण वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस का मतलब होता है आवाज। तो जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाए उसे हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम फोकस करेंगे ऑन सब्जेक्ट, जिसमें कर्ता को फोकस किया जाता है। जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता है। वॉइस क्या होता है? वॉइस का मतलब होता है आवाज। कहने का तात्पर्य है कि कर्ता या कर्म को प्रधानता रखते हुए उसकी फीलिंग्स को, किसी वाक्य की जो भावना है उसको बदलना वॉइस कहलाता है। जिसमें एक्टिव यानी सब्जेक्ट को सक्रिय करना एक्टिव कहलाता है और सब्जेक्ट को पैसिव यानी निष्क्रिय करना पैसिव वॉइस कहलाता है। इसमें एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सक्रिय रहता है, जबकि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाता है। अब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस वे वाक्य होते हैं जो टेंस को बताते हैं। टेंस के जो सारे वाक्य हैं, जैसे हमें अभी तक हमने जो टेंस सीखे हैं, टेंस के सारे वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। तथा पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को निष्क्रिय कर देते हैं तो वो पैसिव वॉइस बन जाते हैं। देखो, एक्टिव वॉइस का एक उदाहरण है, मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ, इसको हम एक्टिव वॉइस क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है। जैसे इंग्लिश में हम वाक्य बनाएंगे, आई राइट अ लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। इसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है। अब हम क्या करेंगे कि इसका पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव में क्या होगा कि इसमें जो सब्जेक्ट है उसको हमें पैसिव बना देना है। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय कर देना, हम सब्जेक्ट को निष्क्रिय कर देंगे। तो इसमें सब्जेक्ट जो है आई को निष्क्रिय करना है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है एक पत्र, तो वाक्य बन जाएगा एक पत्र मैं लिखता हूं, तो इस कर देंगे मेरे द्वारा लिखा जाता है। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो हम इस वाक्य में बनाएंगे अ लेटर इज राइट की, इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटर्न बाय मी। अ लेटर इज रिटर्न बाय मी। अब एक्टिव वॉइस जो होते हैं, एक्टिव वॉइस उसको हम शॉर्टकट में कहेंगे एवी, और जो पैसिव वॉइस है उसको हम शॉर्टकट में कहेंगे पीवी यानी पैसिव वॉइस। अब नियम देखेंगे, एवी से पीवी बनाना। तो सबसे पहले तो है जो एवी के ऑब्जेक्ट को, जो एवी का जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा एमवी के बाद आता है, मुख्य क्रिया के बाद। तो एवी के जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पीवी का
सब्जेक्ट बना देंगे, पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे आई राइट अ लेटर में लेटर जो है एक ऑब्जेक्ट था, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो। अब पेसिव वॉइस में पीवी में दूसरे स्थान पर एचवी लगाएंगे। अब एचवी लगाते समय हमें क्या ध्यान देना है कि अगर एवी में इंडेफिनेट की एचवी हो, इंडेफिनेट टेंस हो, तो पैसिव वॉइस में कंटिन्यूस की एचवी लगाएंगे। और यदि कंटिन्यूस टेंस हो, यदि एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूस टेंस हो, तो पैसिव वॉइस में कंटिन्यू को कंटिन्यूस में ही रखेंगे। और तीसरा है, अगर एक्टिव वॉइस में परफेक्ट टेंस हो, तो पैसिव वॉइस में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे। इन तीन बातों का हमें ध्यान रखना है कि यदि इंडेफिनेट टेंस हो तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कंटिन्यूस को हो तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एक्टिव वॉइस में परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो तो पैसिव वॉइस में परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट नियम है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ प्लस बाई लगा देंगे। अगला नियम है, जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पीवी यानी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब इसमें प्रोनाउन जो है हमें चेंज करने हैं, जो प्रोनाउन होते हैं वो चेंज करते हैं। जैसे आई आएगा तो आई का हम सब्जेक्ट में, आई आएगा तो ऑब्जेक्ट में हम उसको मी में चेंज कर देंगे, वी का अस में, लेकिन वी को हम चेंज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। यू को हम चेंज करेंगे यू में, ही को चेंज करेंगे हिम में, सी को चेंज करेंगे हर में, और इट को चेंज करेंगे इट में, और दे को चेंज किया जाता है देम में, लेकिन इसको भी हम छोड़ देंगे। देखो अब वाक्य है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। अब ये वाक्य एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो उस पर फोकस किया जा रहा है। ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम कंटिन्यू में चेंज करेंगे। तो देखो इसमें जो ये है सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो पहला नियम है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद इंडेफिनेट है तो कंटिन्यू की एच लगा देंगे, इज आर एम एस से इज लगा देंगे, क्योंकि ये सॉन्ग एक वचन है इसलिए इज लगा देंगे। अब पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, फिर बाई लगाएंगे, और हमने अभी देखा सी का हो जाएगा हर। अब एक और वाक्य देखते हैं, यू आर टेकिंग मिल्क, यू आर टेकिंग मिल्क, तो ऑब्जेक्ट है मिल्क
तो मिल्क को आगे लाएंगी, पेसिव बना देगी मिल्क। अब कंटिन्यू हमेशा कंटिन्यूस में ही रहेगी, इसलिए मिल्क जो है वो मटेरियल ना होने तो इज लगेगा। आईएनजी आने पर हम आईएनजी आने पर तीसरे स्थान पर बींग लगाते हैं। जब भी आईएनजी आएगा तो बींग लगाएंगे। अब टेक की थर्ड फॉर्म आएगी टेकन बाय यू। तीसरा एक प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं, वी हैव बॉट अ पेन, वी हैव बॉट अ पेन। तो ऑब्जेक्ट है अ पेन, तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे अ पेन। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैव, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन। और बॉट की थर्ड फॉर्म होगी बॉट। अब देखो, अब वी को हम बाई एस में चेंज नहीं करेंगे, बस वाक्य का पैसिव यहां तक ही बनेगा। एक वाक्य देखते हैं, दे सोल्ड अ बाइक। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अ बाइक, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे अ बाइक। उसके बाद में वॉज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए हम कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब सोल्ड की थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड, और बाय देम नहीं लिखेंगे। वी यदि आने पर उन्हें वापस नहीं लिखा जाता है। अगला वाक्य है, सी वाज कॉलिंग यू। सी सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यू को हम आगे लिखेंगे यू। अब कंटिन्यू कंटिन्यू में रहेगा, पास्ट कंटिन्यू में रहेगा, तो यू का वर आ जाएगा। अब आईएनजी आने पर हम बीइंग लगाएंगे, और फिर कॉल की थर्ड फॉर्म होगी कॉल्ड। ये बीइंग हमेशा मुख्य क्रिया से पहले रहना चाहिए। बाय सी का हो जाएगा हर। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, वाक्य नंबर सिक्स, यू हैड टोल्ड मी अ स्टोरी। यू हैड टोल्ड मी अ स्टोरी, इसमें यू सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड मैन वर्ब है। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब दो ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम पीछे छोड़ देंगे। मी का हो जाएगा आई, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया आई, हमने इसको सब्जेक्ट बनाया। अब हेड हेल्पिंग वर्ब है, तो हेड के साथ हम लगा देंगे बीन, यानी हैज हैव या हेड आने पर हम लगाते हैं बीन। हैज हैव हेड आने पर बीन लगा देते हैं। अब टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी। अब ये जो ए स्टोरी लिखा हुआ है, ये मुख्य क्रिया के बाद में वापस यहाँ पर लिखेंगे अ स्टोरी, फिर बाई लगाएंगे बाई, यू का हो जाएगा यू। नेक्स्ट टेंस है, वी सेल हेल्प यू। देखो ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ऑब्जेक्ट है, एवी का जो ऑब्जेक्ट है उसको पीवी का सब्जेक्ट बनाएंगे यू।
तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी और फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर वी आने पर वी को अस में चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सी विल हैव रिटन अ पोइम। सी विल हैव रिटन अ पोइम, तो ऑब्जेक्ट है अ पोइम, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो हो जाएगा अ पोइम, उसके बाद विल हैव है तो हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव को लिखने के बाद बीन लगा देंगे, विल हैव बीन। और रिटर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न बाई सी का हो जाएगा हर, अ पोइम विल हैव बीन रिटर्न बाई हर। उसके बाद कुछ और रूल देखे वॉइस के नियम है, नियम नंबर 5 है किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस का, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आपको इन वाक्यों का पैसिव बनाना है, आपको इनका वाक्यों का पैसिव बनाना है। पहला वाक्य है आई मेक टी, दूसरा वाक्य सी इज नॉट ड्राइविंग अ कार, सी इज नॉट ड्राइविंग अ कार। तीसरा वाक्य वी हैव टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट वाक्य है ही बॉट अ न्यू पेंसिल, नेक्स्ट दे हैड पनिश्ड हिम, नेक्स्ट सिक्स्थ वाक्य है यू वर डेकोरेटिंग दिस रूम, यू वर डेकोरेटिंग दिस रूम। सातवा है सी विल कॉल हिम, नेक्स्ट आठवा वाक्य है राघव विल नॉट हैव ब्रोकन दिस मिरर। नेक्स्ट वाक्य है आई
did it. दसवां वाक्य है Someone was following us. ये दस वाक्य है जिनके आपको पेसिवस बनाना है। इन वाक्यों का सही पेसिव बनाकर मुझे कमेंट करें।